कल के क्लास में हमने देखा कि कैसे प्रॉपर नाउन को हिंदी से इंग्लिश में लिखा जाता है। किसी भी वर्ड को हम इंग्लिश में लिखने के लिए पहले उसका हिंदी और उसका जो अल्फाबेट होता है उसके आधार पर चलते हैं। हिंदी अल्फाबेट यदि क्लियर है तो निश्चित रूप से हम अंग्रेजी में उसको लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि हमारे जो भाषा है हिंदी, ये हमारी मातृभाषा होती है हिंदी। समस्त भाषाओं का जननी संस्कृत होती है, लेकिन यदि संविधान की बात की जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषा दिए गए हैं उसमें अंग्रेजी का वर्णन नहीं किया गया है। फिर भी अंग्रेजी हमारे देश की भाषा न होते हुए भी ये इतना इम्पोर्टेंट भाषा है कि ये आपूर्ति तौर पर पूरे भारतवर्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे जो भाषा है हिंदी, ये हमारी मातृभाषा होती है हिंदी। समस्त भाषाओं का जननी संस्कृत होती है, लेकिन यदि संविधान की बात किया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषा दिए गए उसमें अंग्रेजी का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। फिर भी अंग्रेजी हमारे देश की भाषा न होते हुए भी ये इतना इम्पोर्टेंट भाषा है कि ये ऑफिशियली तौर पर पूरे भारतवर्ष में लेकिन मैं यदि इसको ऐसे पढ़ तो कैसा रहेगा? चलो यू को मैं यू मान, यू का उच्चारण यू के लिए हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं क्या अम्ब्रेला को यूम्ब्रेला पढ़ूंगा तो चलेगा यूम्ब्रेला, ये सही है क्या? और यूनलाइट यदि इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्या ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? अनिपा दोनों के लिए हो रहा है ना, और ठीक उसी प्रकार इसको अनिया ऐसा नहीं पढ़ सकते। इसी चीज को अच्छे से सीखने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, मैं नोट डाउन कराऊंगा। तो इससे पहले मैं इसका जो कारण है उसको समझने की कोशिश की, हमें जब भी ऐसे शब्द देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम बोलेंगे तो उच्चारण गलत हो सकते हैं मानता हूं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब जब भी हमें कुछ पहली बार देखने को मिलता है तो हम किसी भी चीज को नहीं देखते हुए डायरेक्ट इसे थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड है या वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है उसको देखना है, बस थर्ड नंबर पर अपने फोकस करना है। इसको फोकस करना है, इसको फोकस करना है, इसको फोकस करना है, इसको फोकस करना है, इसको फोकस करना है। मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको जो वर्ड है उसका तीसरे काम को देखना है, तीसरे नंबर पे क्या है, हर नंबर पे जो है उसके स्थान देखना है। और यदि हर नंबर पे कोई भी वॉवेल हो, वॉवेल की संख्या टोटल कितने हैं, 5 ए है ई आई ओ यू, ये वॉवेल है। यदि ये पांचों में से किसी एक आता है यहाँ पे तीसरे नंबर पे तो आंख बंद करके आपको इसका उच्चारण यू कर देना है। यदि ये पांचों नहीं आते हैं यहाँ पे कोई भी कॉन्सन नहीं है, कॉन्सन की संख्या कितनी है, 21 है, 21 वर्ड हमारे को देखने को 21 है, ये वॉवेल है अपन 5। तो यदि इसके अतिरिक्त कोई भी कॉन्सन है यहाँ थर्ड नंबर पे आता है तो इसका उच्चारण अ के रूप में करते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया, मैं जो कुछ लिखा है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से एक बार पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये आपको मैं समझाने के लिए नहीं, समझ में आएगा तो और बताऊंगा। ये दोनों समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये थर्ड नंबर पे वॉवेल है ई और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो इसको क्या यूमेज पर बनी गया, यूमेज नहीं पड़ेगा, इसका एक कारण है, इसको अत्तम नहीं पड़ेंगे। ये इंग्लिश वर्ड है भाई, इसलिए ये सब चीज हो रहा है। इंग्लिश की कोई ग्रामर निश्चित नहीं होती है, जो बोल दिए सब बोल दिए, लेकिन ये जो उमेश है और उत्तर उत्तम है ये क्या है, अपना प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। अब
प्रॉपर नाउन का एक ही सिद्धांत होता है इंग्लिश से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सॉरी ट्रांसलेटिंग उसको बनाना अल्फाबेट के हिसाब से जिसे हम 12 का यूज करते हैं उसके आधार पे इसको बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वाला ट्री जो है ये थर्ड नंबर होगा टू होगा चाहे यहाँ पे ई आ जाए चाहे टी आ जाए कुछ भी दुनिया का दुनिया के हिसाब से 21 में से कोई सा भी आ जाएगा 5 में से कोई भी इसका उच्चारण प्रॉपर किसी व्यक्ति के नाम के लिए ऊपर उच्चारण करेंगे ये हो गया आपका तीनों में अब इसमें जो आज मैं बताया वो तो समझ में आया तो आप अच्छे से एक बार पूछ सकते हैं उसे और जो मैं नोट डाउन कराया उसको आप अच्छे से ये तो हो गया यू का उच्चारण। ऐसे ही अंग्रेजी बहुत सारे वोवेल कंसोनेंट हैं जिसका उच्चारण एक नहीं एक से अधिक दो या तीन के लिए होता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो सी होता है उसका उच्चारण क के लिए स के लिए और च के लिए अलग अलग कंडीशन में ये एक फाइल होता है। तो इन चीजों को मैं आज हम बता रहे हैं क्लास में जब इसके बारे में पढ़ेंगे अभी तो स्टार्ट किए हैं क्लास तो उसमें इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अब इसमें जो आज मैं बताया वो तो समझ में आया तो आप अच्छे से एक बार पूछ सकते हैं उसे और जो मैं नोट डाउन कराया उसको आप अच्छे से तैयारी